हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवा द बाइकर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 125 सीसी सेगमेंट की अपकमिंग टॉप 5 बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी बाइक्स है जो अपनी सेगमेंट की बेस्ट बाइक है और इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में काफी पॉपुलर और डिमांड पे भी है। अगर ये बाइक्स इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च होती है तो कहीं ना कहीं काफी डिमांड में रहने वाली है। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक्स को परचेज करने वाले हैं और आपका बजट थोड़ा कम है तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप इन तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि बाइक्स की सारी जेन्यून अपडेट सबसे पहले के पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे लिस्ट की 5th बाइक है सुजुकी GSX R125। इंडियन ऑटो मार्केट में हाल में ही कई सारी फेमस बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे KTM, बजाज अपनी 125 सीसी सेगमेंट में कई सारी बाइक्स को लॉन्च कर चुका है और आने वाले दिनों में लॉन्च करने वाला भी है। इंडियन ऑटो मार्केट में 125 सीसी बाइक्स की डिमांड और सेल दोनों चीज़ें अच्छी खासी हो रही है। ऐसे में जो भी बाकी कंपनीज हैं वो भी अपनी 125 सीसी सेगमेंट के इस लाइनअप को और बढ़ाने की तैयारी में। सुजुकी के पास अभी देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट में गिना चुना ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी कोई ट्रस्टेबल ऑप्शन नहीं है मार्केट में। ऐसे में कंपनी को अपने पॉपुलर सीरीज में 125 सीसी की बाइक को लॉन्च करना चाहिए और ये बाइक इंटरनेशनल ऑटो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी है। तो सुजुकी जल्द ही इसको इंडियन ऑटो मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। ये बाइक जिक्सर आर सीरीज पे बेस्ड होने वाली है। इसका लुक भी आपको जिक्सर आर सीरीज से सिमिलर देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके इंजन की, तो अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है या तो इसमें आपको 125 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI लिक्विड कूल्ड डॉक इंजन देखने को मिलेगा जो 15 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 10,000 RPM पे और 11.5 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती हुई देखने को मिलेगी 8,000 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। एडिशनल सिक्योरिटी की वजह से इस बाइक में आपको कीलेस इग्निशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल सकता है जो कि अभी तक कन्फर्म नहीं है। अब बात करें लुक और फीचर्स की, तो इसका लुक आपको सुजुकी के आर सीरीज से सिमिलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, पिलन फुटरेस्ट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रैब रेल जैसे कई सारी फीचर्स देखने को मिलेगी। इसमें आपको एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन देखने को मिलेगा जिससे कि एग्रेसिव राइड के टाइम पे एक क्लासिक राइडिंग का फील देखने को मिल सकता है। ये बाइक आपको 3 कलर्स में लॉन्च होगी, सॉलिड ब्लैक, ब्रिलियंट व्हाइट और टर्शन ब्लू। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉस, गियर इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर जैसे ही कई सारी फीचर्स शो होगी। इसमें आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगा और इसका माइलेज 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक का देखने को मिल सकता है। इसका टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक का कंपनी क्लेम करती है। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग कॉइल डम्प्ड सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में लिंक टाइप कॉइल स्प्रिंग कॉइल डम्प्ड सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसका कर्व वेट 134 किलोग्राम तक का देखने को मिलेगा। बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो इसका प्राइस आपको KTM की RC 125 से सिमिलर देखने को मिलेगा जो कि ऑन रोड आते आते मे बी 130,000 तक का हो सकता है। और इसके लॉन्च डेट की देखें तो कंपनी का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना कोई अभी तक लीक आया इस बाइक के बारे में। ये बाइक आने वाले दिनों में लॉन्च हो सकती है क्योंकि आप देख ही सकते हो 125 सीसी में सुजुकी के पास कितने ऑप्शन आपको देखने के मिलते हैं। अगर सुजुकी 125 सीसी में इस बाइक को लॉन्च करती है तो लोगों के पास एक ऑप्शन बढ़ जाएगा और ये बाइक बहुत अच्छी है। तो ये बाइक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के मिड तक लॉन्च हो सकता है। हमारे लिस्ट की 4th बाइक है कावासाकी निंजा 125। ये बाइक 125 सीसी में कावासाकी की एक फुल्ली फेयर्ड बाइक है। निंजा 125 कावासाकी की निंजा 400 और निंजा 650 से सिमिलर मिलता जुलता देखने को मिलता है। यह बाइक कावासाकी की निंजा सीरीज की सबसे यंगेस्ट बाइक है। इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, एक निंजा 125, दूसरी Z125। Z125 कावासाकी की कैफे रेसर थीम पे बनी बाइक है। बात करें अगर निंजा 125 के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 कॉम्पैक्ट इंजन देखने को मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करती है 15 BHP का 10,000 RPM पे और 11.7 Nm तक का टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा 7,700 RPM पे। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर तक का कंपनी क्लेम करती है। बात करें अगर फीचर्स और लुक की, तो इसमें आपको सिंगल हेडलैम्प यूनिट विद हैलोजन बल्ब, LED टेल लाइट, ट्यूबलेस टायर, वायर टायर्स जैसे ही कई सारी फीचर्स देखने को मिलेगा। हेडलाइट और इंडिकेटर में आपको LED बल्ब की जगह पे हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है जो कि कावासाकी को आने वाले दिनों में सुधार लेना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा जिसमें आपको सारी मेजर फंक्शन शो होगी जैसे स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉस, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल, लो बैटरी इंडिकेटर।
बात करें सस्पेंशन और ब्रेक्स की तो फ्रंट में आपको 37mm का यूएसडी फॉक्स और रियर में आपको गैस चार्ज मोनो शॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में आपको फ्रंट में 220mm का डिस्क पिस्टल कैलिपर पेटल डिस्क पैड और रियर में 220mm का ड्यूअल पिस्टल कैलिपर पेटल डिस्क पैड देखने को मिलेगा। इसमें आपको 11 लीटर के फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और इसका माइलेज 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इंडिया में आपको ये बाइक 3 वेरिएंट में लॉन्च होगी, लाइम ग्रीन, मेटालिक व्हाइट और मेटालिक ब्लैक। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की तो इसका प्राइस 1,20,000 से 30,000 तक का देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च डेट की देखें तो कंपनी का अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, बट रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये बाइक इंडिया में जरूर लॉन्च होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बाइक 2021 फर्स्ट मंथ तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि 2020 में आप देख रहे हो सिचुएशन कैसी हो गई है। हमारा लिस्ट की थर्ड बाइक है यामा MT125। यामा MT125 को यामा ने 2019 में ही लॉन्च कर दिया था इंटरनेशनल टू व्हीलर्स मार्केट में, तभी से इस बाइक का वेट इंडिया में काफ़ी लोग करते आ रहे हैं। इसके लॉन्च डेट का कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी यामा ने रिवील नहीं किया है, बट 2019 में जब MT15 लॉन्च हुई थी, मैं MT15 की बात कर रहा हूँ, जब वो 2019 में लॉन्च हुई थी उस टाइम भी यामा ने MT15 के बारे में पहले कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करा था। इंटरनेशनल मार्केट में यामा ने MT15 को 2018 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो MT125 के केस में भी ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें अगर इसके इंजन की तो इसमें आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 फोर स्ट्रोक इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 15 BHP का 9000 RPM पे और 11.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 8000 RPM पे। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसका टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर कंपनी क्लेम करती है। बात करें अगर फीचर्स की तो इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलाइट जो सेम MT15 से लिया गया है, LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको MT15 और R15 V3 से सेम मिलता जुलता देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जिसमें आपको टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, डिजिटल क्लॉक और भी बहुत सारी चीज़ें शो होएगी। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको 41mm का USD फॉक्स देखने को मिलता है और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। बात करें ब्रेक्स की तो फ्रंट में 292mm का डिस्क और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। ये बाइक ड्यूअल चैनल ABS के साथ आएगी। इसमें आपको 10 लीटर के फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इसका माइलेज 40 to 45 km/h तक कंपनी क्लेम करती है। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की तो इसका प्राइस 1,20,000 के आसपास बताया जा रहा है। हो सकता है इसका प्राइस कम भी हो, क्योंकि इस बाइक में इंजन भी छोटी है और इसका पावर आउटपुट भी कम है, तो मे बी प्राइस कम हो सकता है, बट 1,20,000 आसपास ही होगा। इसका लॉन्च डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट ये बाइक 2020 के मिड या लास्ट तक जरूर आपके नज़दीकी शोरूम्स में देखने को मिल जाएगा। हमारा लिस्ट की सेकेंड बाइक है एप्रिलिया 21125। एप्रिलिया एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी की अभी तक प्रीमियम कैटेगरी 800 से 1000 cc की बाइक आती थी। कंपनी का मानना है कि 125 से 150cc सेगमेंट में काफ़ी स्पेस है और ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। यही रीज़न है कि एप्रिलिया इस बाइक को मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस बाइक का मेन कंपटीटर KTM RC125 और Duke 125 रहने वाला है इंडियन ऑटो मार्केट में। बात करें अगर इसके इंजन की तो इसमें आपको 124.2cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन फोर स्ट्रोक BS6 इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 15 BHP का और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल सकता है। बात करें अगर फीचर्स की तो इसमें आपको 3 लाइट सेटअप विथ हैलोजन LED हेडलाइट, शार्प LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर्स, इंजन किल स्विच, स्प्लिट सीट देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा। RPM मीटर एनालॉग मिलेगी और बाकी सारी चीज़ें डिजिटल मिलेगी, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गॉज और बहुत सारी चीज़ शो होगी। बात करें सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको 41mm का USD फॉक्स देखने को मिलता है और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। फ्रंट और बैक दोनों में काफ़ी हेवी सस्पेंशन मिलता है, जो इस बाइक को 125cc सेगमेंट में और प्रीमियम बनाती है। बात करें ब्रेक्स की तो इसमें फ्रंट में 300mm का डिस्क और रियर में 218mm का डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी। ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आएगी। इसमें आपको 135mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी। अब बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की तो इसका प्राइस एक्सपेक्टेड 1,30,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते Duke 125 इतना देखने को मिल सकता है। इसका लॉन्च डेट दीपावली 2020 के आसपास देखने को मिलेगा, नहीं तो ये बाइक आपको 2021 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगी। हमारा लिस्ट की पहली और आखिरी बाइक है होंडा CB125।
जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन ऑटो मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। इंडियन ऑटो मार्केट की कई पॉपुलर ब्रांड्स इसी साल अपने 125 सीसी सेगमेंट में कई बाइक्स को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, जैसे कि पल्सर 125, KTM 125, ड्यूक 125। बिकॉज BS6 और ABS की आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं बाइक्स की प्राइस इतनी हाई हो गई है कि हर कोई अब 150 सीसी बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो 125 सीसी सेगमेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा बाइक देखने को मिल सकता है मार्केट में। होंडा CB 125R जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉन्च हो गई है और जल्द ही इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च होने वाली है। बात करें अगर इसके इंजन की, तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड BS6 फोर स्ट्रॉक शॉक इंजन देखने को मिलेगा, जो 13.2 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी और 10 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देगी। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 296 mm का सिंगल डिस्क एट द फ्रंट और 220 mm सिंगल डिस्क एट द रियर देखने को मिलेगा। इसमें आपको कंपनी के द्वारा दोनों डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाएंगे। इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। बात करेगा सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक USD फॉक्स और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगी। इसका माइलेज 45-50 km/h तक का देखने को मिलेगा। इस बाइक का प्राइस 80,000 से 90,000 तक का देखने को मिलेगा और इसका लॉन्च डेट 2020 में जुलाई मंथ का है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप होंडा CB 125R के साथ जाना पसंद करोगे या नहीं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।